खबर रायसेन से है, जहां सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के रतनपुर गांव पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान ने सांची विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 666 पौधे रोपे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, रामपाल सिंह राजपूत सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी पौधे रोपकर हरियाली और खुशहाली का संदेश दिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि जीवन में पौधे रोपना बहुत जरूरी होता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत चर्चा करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे कहा कि बिगड़ते पर्यावरण सिस्टम में सुधारने के लिए व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए और उसकी देखभाल भी की जाए। वहीं विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि बिगड़ते ग्लोबल सिस्टम को सुधारने, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे रोपना जीवन में जरूरी होता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अच्छी बारिश के लिए भी पौधों को रोपना अब जरूरी हो गया है। आज हमारे प्रिय मित्र और लोकप्रिय नेता डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। तो एक पेड़ माँ के नाम डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी यहाँ हम सब ने लगाए हैं, और 66वें जन्मदिन पर 666 पेड़ आज यहाँ लगाए गए हैं। मैं मानता हूँ कि जन्मदिन मनाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि ये 666 पेड़ जब बड़े होंगे तो लोगों को नई जिंदगी देंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, ये वर्षा कराने में भी सहायक होंगे, और ये कई पक्षियों का, चीटे चीटी जीव जंतुओं का घर भी बनेंगे और उनको भी जीवन देंगे। मैं तो रोज ही पेड़ लगाता हूँ, ये संकल्प है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ना है। एक बार मैं डॉक्टर प्रभुराम जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूँ, और सभी मित्रों को जिनने आज वृक्षारोपण किया है उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम सब अपने जन्मदिन को, शादी की वर्षगांठ को, या माता पिता की पुण्य स्मृति में हम पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ ही जीवन है।